अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस टीम पर इन तमाम लोगों ने हमला किया, जिसमें दो पुलिस वाले शहीद हुए। मौके से एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने हम तक पहुंचाई, देखिए उसे आप। मथुरा के जोहरबाग के ठीक उसी जगह पर मैं खड़ा हूं, जहां पर बीती शाम उपद्रवी तत्वों ने पुलिस बल पर हमला बोल दिया, जिसके बाद एसओ और एसपी सिटी की मौत हो जाती है। ये तस्वीरें आप पीछे देख सकते हैं, यही वो जगह है जहां पर कब्जाधारियों ने कब्जा जमा रखा था। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद एसपी सिटी एसओ के साथ यहां पर पहुंचते हैं, नोटिस देने के लिए आते हैं, लेकिन हमला बोल दिया जाता है पुलिस बल की तरफ से। चश्मदीद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? ताराचंद गोस्वामी। ताराचंद जी, क्या हुआ था? पुलिस बल जब यहाँ पर आती है, पुलिस बल बैक साइड से आई थी, क्योंकि यहाँ तो किसी के लिए उन्होंने लॉ एंट्री कर रखी थी, तो उन्होंने कल तोड़ा, तोड़ के उन्होंने समझाया कि भाई ऐसा मत कीजिए, सिर्फ इतना ही कहा था। पेड़ पर चढ़े हुए थे वो लोग और वहीं से गोली जो है, एक मारी तो एसएसपी के पास में थी, लेकिन एसएसपी थोड़ा सा कुदरती, एक सिपाही बोला कि सर आई गोली, तो जैसे ही वो हटे तो संतोष यादव उनके पास में थे, वो यहाँ लगी और उसकी उनकी आंख भी निकल गई और वो धरती में गिर गए। उसके बाद में एसपी जो सिटी थे मुकुल द्विवेदी, वो आगे वो दूसरे साइड से आए, उनके भी सीधे गोली मारी इन आतंकियों ने, उनको खींच लिया, खींच के ले जाके लाठी डंडों से मारा है मुकुल द्विवेदी जी को। तो यहाँ पर जो है निश्चित रूप से ये कहा जा रहा था बार बार, नखलों से ये आ रही थी आवाज़ कि कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई गोली नहीं चलाएगा। तो बताइए कैसे गोली नहीं चलाया, जो आज हमारे यहाँ पर मथुरा जो एक शांति, गोली कौन नहीं, पुलिस की तरफ से नहीं चलाएगा गोली, हाँ को पुलिस नहीं चलाएगी बिल्कुल। ये खुद डीजीपी का बयान है कि 2 से 3 हजार की संख्या में लोग थे, पुलिस पर हमला बोल दिया जाता है। पूरे यूपी की अगर बात करें, बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि शांति व्यवस्था कायम है, और एक मथुरा धर्म नगरी में इतना बड़ा हादसा, हाँ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, ऊपर से आदेश हो रहे हैं कि गोली ना चलाने के, लेकिन यहाँ पे एक नोटिस रिसवा करने के लिए प्रशासन आता है और उन पर इस तरीके से आघात किया जाता है, तो ये बेहद ही निंदनीय घटना है। और इस परिसर में उन्होंने बेहद प्रयास किए थे इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के, शांति व्यवस्था को बना के, लेकिन उसके बावजूद उनके प्रयासों से कल भी ऐसा कोई पर्पज नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से ये हमला हुआ है वो बेहद निंदनीय घटना है, जिसमें हमने ये भी कहा जा रहा है कि जो हमलावर थे उसमें कई सारी महिलाएं भी शामिल थी, हाँ उसमें कई महिलाएं भी शामिल थी जिन लोगों ने आगे बढ़कर हमला बोला है। बिल्कुल, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के शहीद होने के बाद यहां पर अलग से पिकेट भेजा गया, हालांकि सरकार की तरफ से मुआवजा का ऐलान कर दिया गया है। ये भी कहा गया कि जो घायल पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी हर संभव सुविधा सरकार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से उपद्रवियों ने हमला बोला हजारों की संख्या में, एक सवाल यहाँ पर जरूर है कि क्या इतने समय से यहाँ पर कब्जा जमाया गया था, तो पुलिस पहले से जब यहाँ कब्जा जमा शुरुआत में किया गया तो उस वक्त क्यों नहीं हटाई थी, तो पूरा मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मथुरा से कैमरा पर्सन रोहित चौधरी के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।